नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे एवं आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के हाथों 30 वर्षीय पट्टे का वितरण निगम महापौर कक्ष में किया गया। राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत निगम क्षेत्र के वार्ड 37 सिरसा भाटा के 5 हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर परिषद के सदस्य मोहन साहू, लिपिक राजू वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा पाने वाले हितग्राहियों ने निगम महापौर आयुक्त के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। पट्टा वितरण को लेकर महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राजीव आश्रय पट्टा योजना के तहत कल 5 लोगों को पट्टा वितरण किया गया है, जिसमें सारे के सारे लोग सिरसा कला के हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी आबादी नहीं घोषित हुआ होगा, जो नाजुल की ज़मीन है, सिरसा, सोमनी और गन्यारी, उमदा, चरोदा भाटा, यहाँ के खसरों को सुरक्षित आबादी के लिए पहल किया गया है, जो नजुल की ज़मीन है। ऐसे बसाहट जहाँ पर वर्षों से वहाँ पर बस्ती बसी होगी और झुग्गी झोपड़ी बस्ती के तहत राजीव आश्रय पट्टा उनको वितरण किया जाएगा। सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है। इसके बाद सारे हितग्राही, जो पात्र हितग्राही है जिसके पास पट्टा नहीं है और जो बसाहट में बसे हुए हैं, उन सब लोगों को पट्टा दिया जाएगा। पट्टे के लिए 700 से ज़्यादा स्क्वायर फीट किसी को भी जगह नहीं दी जाएगी। जिनका 700 वर्ग फीट है, 10 रुपये के हिसाब से राजस्व विभाग में उनको 7000 रुपया राशि अदा भी करना है। उनके पश्चात नजुल के जगह में जो काबिज हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से पट्टा वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सुरक्षित आबादी है या प्रचलित आबादी है, उनको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उनका पट्टा, बहुत लोगों को पट्टा मिल चुका है। सिर्फ जो दिक्कत हो रही है वो नजुल में जो बसे हुए हैं, घास जमीन में, शासकीय जमीन में जो बसे हुए हैं, उन्हीं को है। उन लोगों को पट्टा नहीं दिया जाएगा जिनका घर एकल घर है या वहाँ पर बस्ती नहीं बसा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी बस्ती है जहाँ पर बसाहट है, पट्टा सिर्फ उसी को दिया जाएगा।